हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ हवा महल में। मैं तो हवा महल घूम चुका हूँ और आज बोंदिता हवा महल घूमेगी और इनको मैं घुमाऊंगा। और अभी टिकट लेने जा रही है। तो ये रहा टिकट काउंटर हवा महल, और वो जो रास्ता आप देख रहे हो ये रास्ता हो गया आपको अंदर जाने का। तो हवा महल के बाहर का दृश्य है ये, और देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। अभी लगातार टूरिस्ट सब आते चले जाएंगे और भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और ये देखो ये वाला जो जगह है जहाँ से हवा महल के लिए अंदर आप जा सकते हो। दोस्तों बोंदिता अंदर में टिकट ले रही है, ये बाहर में लाइन में खड़ी है। और यहाँ पर ये विदेश से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जर्मनी से है। तो ये रहा हवा महल का टिकट। दो टिकट का दाम 104 रुपये, यानी 52 रुपीज। अगर आप विद्यार्थी हो तो फिर 22 रुपये लगेंगे। अगर आप विदेश से हो तो फिर आपको 202 रुपये का एक टिकट मिलेगा, और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 102 रुपये का एक टिकट। तो ये देखिए बोंदिता जो है चल रही है। ये हो गया हवा महल का एंट्रेंस गेट, और यहाँ से जा रही है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हवा महल के अंदर। दोस्तों ये पपेट भी आज हवा महल घूमेंगे। ये रहा हवा महल का एंट्रेंस गेट। ये विदेश से आए हुए हैं, खासे प्रायोरिटी दी जाती है। चलो 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 चलो। ये दोस्तों हम लोग हवा महल के अंदर आ चुके हैं, और ये हवा महल का मेन गेट हो गया। इधर से इधर से सीधे, और ये देख सकते हो ये दोस्तों अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये रहा हवा महल का गेट, देखिए। चलो चलो चलो। आज तो फव्वारा भी चल रहा है। मैं जब आया था तब फव्वारा नहीं चल रहा था, फव्वारा भी स्टार्ट हो गया है। ये देखो दोस्तों फव्वारा, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, एकदम से भरा हुआ है। और ये देखो ये हो गया फव्वारा, सारा चालू है। मैं जब आया था तब नहीं चालू था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये हो गया आपको हवा महल का दृश्य। ये कक्ष जो देख रहे हो ये भोजनशाला है। यहाँ पर पहले भोजन वगैरह किया जाता था, और यहाँ पर देखिए ये अलग ही जो है दृश्य है। उधर से सूर्य की रोशनी आती है, और इधर का लाइटिंग देखिए कैसा रहता है। और यहाँ बोंदिता कड़ी है, और यहाँ पर जो है राजस्थानी सॉन्ग चल रहा है। पैसे वगैरह दे करके आप उसका जो है पगड़ी पहन के आप डांस कर सकते हो। ये देखिए ये छोटा बच्चा को देखिए दोस्तों। अभी हम लोग इस होकर के एंट्री किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसी होकर के हम लोग एंट्री किए हैं। वो वाला ही मतलब इस पार्ट से अंदर गए हैं, और यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं। तो अभी इस कैंपस में है, और आगे जो है हवा महल का आगे का फ्रंट का दृश्य। तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ दोस्तों फ्रंट का दृश्य कैसा है। ये रहा हवा महल, ऊपर बोंदिता जो है लिखा हुआ है उसको पढ़ रही है। ये दोस्तों अंदर का दृश्य है, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। ये सीढ़ी देख रहे हो आप ऊपर जाने का है, और यहाँ का व्यू देखो आप, और ये छोटी छोटी खिड़की हवा महल में, और ये ऊपर छत देखो। बोंदिता क्या देख रही है यहाँ से देखो। तो ये देखो हवा महल का दृश्य, साइड से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो आप, और यहाँ से जंतर मंतर वगैरह भी दिखता है। ये देखो वो जंतर मंतर रहा, और यहाँ से रानियाँ देखती थी सभा वगैरह को। दोस्तों आंगन कितना बड़ा है, और इधर भी देखो तो प्रतिमा वगैरह है, मूर्ति वगैरह सब है यहाँ पर। और ये ऊपर का दृश्य देख सकते हो आप, एलोवेरा का वृक्ष लगा हुआ है। ये देखो एलोवेरा गली देखो आप। ये दोस्तों हवा महल के सबसे ऊपरी छोर पर जाने का रास्ता हो गया आपको। यहाँ से पैदल चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हम लोग हवा महल के सबसे ऊपरी छोर के पास हैं। ये देखिए यहाँ से कैसा दृश्य दिखता है आपको, नीचे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से कैसा दृश्य दिख रहा है, ये देखो। और यहाँ देखिए आप दोस्तों इसके ऊपर का दृश्य देखिए आप, कितना लोग ऊपर बड़ा हुआ है। दोस्तों ये सिटी पैलेस हो गया, और ये हो गया आपको जंतर मंतर। और यहाँ से नीचे का दृश्य आप देखो, हवा महल के नीचे का दृश्य। और यहाँ से जो है ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये हो गया नाहरगढ़ फोर्ट।
ये दोस्तों हम लोग अब हवा महल के सबसे ऊपरी छोर के ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो में कैसा दिखता है व्यू। ये देखिए दोस्तों, हर लोग कोई फोटो वगैरह सब खिंचवाने में मग्न है, वीडियो बनाने में मग्न है, कोई शॉर्ट्स वीडियो बना रहा है, कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा है। और ये देखिए दोस्तों दृश्य, और ये ऊपर का दृश्य हो गया, आप कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। और मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर हवा महल के सबसे ऊपर, और इधर जो है बंद है, इधर नहीं जा सकते। ऊपर जाने का रास्ता बहुत छोटा है और संकीर्ण भी। यहाँ से देखिए दोस्तों बड़ी चौपड़ का दृश्य, ये देखिए दोस्तों कितने ऊपर आ चुके हम लोग। ये देखिए दोस्तों हमने 0.5x कर दिया है, तब जाकर के वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। ये देखिए अगर 1x करते तो नहीं कर पाते, तो ये सीन आप देख सकते हो। और ये नीचे का सीन कुछ इस तरह का है, अभी पुलिस रोक रहा है कि अभी मत जाओ, ओवर हो चुका है। ये देखो दोस्तों, ये देखिए कितना छोटा सा रास्ता में आई है, ये कितना छोटा रास्ता, ये देखिए आप दोस्तों। ये देखो बाहर का दृश्य कितना सुंदर और कितना जबरदस्त है। ये देखो आप छोटा छोटा लोग दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। और ये रहा खिड़की, यहाँ रही बूंदीता, पपेट डांस हो रहा है, बहुत सारे लोग पपेट डांस को देखने आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये देखिए पपेट डांस को देख रहे हैं। बाबू नल का पानी हमने पी लिया, ये बन के तैयार हो गया है, ये नारियल बन के तैयार हो गया, अब इसको मैं खा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों भी भैया के साथ हैं और ऑटो से हम लोग जा रहे हैं बड़ी चौपर, और मात्र 15 रुपये लिए भैया। हम लोग दो लोग हैं, मोनिता है, मैं हूँ, और 30 रुपये में हम लोग जा रहे हैं बड़ी चौपर। और लगातार जो रास्ते में जाम वगैरह लगता है कोई ज़्यादा रुपया है नहीं, 15 रुपया जाएगा ज़्यादा चल रहा है भैया। हाँ रास्ता ही बंद होगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, रास्ता भी बंद होगा तो 15 रुपया तो उचित बनता है। बस वाला भी 10 रुपये ले ही लेते हैं तो 15 रुपये तो बनता ही है, नहीं जा रही है बसें बंद, बसें भी बंद है। ये देखिए दोस्तों रात का दृश्य, यहाँ पर ठंडी के लिए कितना सारा जो कपड़ा एकदम सुंदर सुंदर मिल रहा है, लगता है कंबल की तरह, कुछ बिछावन की तरह मिल रहा है, एकदम पूरा भरा पड़ा है। ये देखो भाई साहब कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एकदम पूरा जाम में फंसा हुआ है। अभी हवा महल के पास का दृश्य है, ये रात के समय हो रहा है लगभग 7। दोस्तों ये देखो आप हवा महल, अभी मैं हवा महल के पास हूँ, और मैं हूँ और बूंदिता है। अक्सर हम लोग इधर से जब आते हैं तो रास्ते में ही टेम्पो वाले ऑटो वाले छोड़ देते हैं, बोलते भैया उधर जाम में फंस जाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं भी बोलता हूँ भाई 10 रुपये कम लो और छोड़ो यहीं पे, मैं पैदल चला जाऊँगा। तो यहाँ पर जितने भी फॉरेन आए हुए लोग हैं वो कपड़ा खरीद रहे हैं देखिए, और इनको कन्विंस किया जाता है उसके बाद ये कपड़ा खरीदते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये बूंदिता यहाँ खड़ी है, और ये हवा महल हो गया आप। दोस्तों हम लोग बड़ी चौपड़ के पास हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए इस सीढ़ी से हम लोग जा रहे हैं नीचे मेट्रो। अभी एक बार और हम लोगों को नीचे जाना है, ये पहला जो है हम लोग अंडरग्राउंड जा रहे हैं, इसके बाद दूसरा सीढ़ी आएगा उसके भी अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोगों को मेट्रो मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ पर ये देखिए ये पेड़ यहाँ पर दिए, ये ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, ये देखिए आ जाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए कितना नीचे है अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा प्लेस ऐसा है जो हिस्टोरिकल प्लेस है। ओ सॉरी, मतलब वो ऊपर आने का था, इधर आओ तुम वो सीढ़ी ऊपर आने का। ये देखिए दोस्तों है क्या कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह सब बहुत ज़्यादा है जो ऐतिहासिक है, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, तो इसीलिए अंडरग्राउंड बनाया गया है। चौंद पॉल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक अंडरग्राउंड ही मेट्रो है। ये देखिए हम लोग अभी कितना नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर शटर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है लास्ट जो है सुबह में 5:20 पर मेट्रो मिलेगा, और लास्ट जो है 10:21 में। अभी हम लोग यहाँ पर टिकट लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों ये टिकट काउंटर हो गया, और इधर भी टिकट काउंटर है,
दोनों तरफ है, तो इधर आपको टिकट मिल जाएगा, उधर आपको जो है कार्ड वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए बड़ी चौपड़ का कैसा दृश्य है, देख सकते हो आप। कल मैं हम लोग यहीं पे लाइन में खड़े थे और आज खाली है, क्योंकि कल मेला था और आज मेला नहीं है। ये हम आ चुके हैं, ले लो दो टिकट। देखो अगर ऑनलाइन पेमेंट हो तो ऑनलाइन पेमेंट कर देना। और एक बात और दोस्तों, ये मेट्रो में और अच्छे अच्छे जगह पर जो है, जहाँ जहाँ प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर जो है कैश लिया जाता है, ऑनलाइन नहीं। हमको लगता है टैक्स चोरी होता है। ये दोस्तों मोदिंदा ऑनलाइन टिकट ले रही है, ये रहा मेट्रो का टिकट। और यहाँ पर देखो भाई, इसको हमने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सटाया, ये देखो खुल गया और मैं चला आया। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ चुका है दोस्तों। एक बार और हम लोग नीचे जा रहे हैं। निकल गई, कोई नहीं। दोस्तों मुझे लगा कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट लिया और हमने ये जो है मेट्रो का टिकट ले लिया। अभी हम लोग आ चुके हैं, कितना मीटर गहराई में हम लोग, कहीं पर लिखा हुआ है क्या कितने मीटर गहराई में हम लोग हैं? इधर इधर आ जाओ, उधर मत आओ, इधर इधर। दोस्तों ये जयपुर में जो मेट्रो है उसका खर्च भी ऊपर नहीं हो पाता है, और बहुत कम यात्री जो यात्रा करते हैं, क्योंकि वन लाइन में दिक्कत ये होता है कि जैसे मान लो कहीं हमको जाना है और वहाँ तक मेट्रो जा रही है और उससे आगे हमको कहीं जाना है, तो हम दो चीज़ सोचते हैं। एक ये सोचते हैं कि मेट्रो ले लेते हैं, फिर वहाँ से हम कोई रिक्शा ले लेंगे या कोई ऑटो ले लेंगे या ओला बुक कर लेंगे। लेकिन फिर होता मन में ये भी है कि चलो ठीक है, पहले ये देखते हैं कि यहाँ से ही अगर हमने ओला बुक कर लिया या हम यहाँ से बस ले लेते हैं, फिर जगह जगह चेंज करके चले जाते हैं, तो क्या खर्च बैठेगा। तो वो दोनों को मिला जुला करके हम देखते हैं, उसके बाद हम जो है लेते हैं, जो हमें सस्ता पड़ता है, जो हमें आसान लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सस्ता हो ना हो, महंगा भी हो और ज़रूरी है तो जाना पड़ता है, तो हम वहाँ मेट्रो छोड़ देते हैं और ऑटो वगैरह या ई रिक्शा या ओला कुछ ले लेते हैं। तो ये दिक्कत है। अगर जयपुर में हर तरफ मेट्रो का जाल बिछा दिया जाए, हर तरफ अगर मेट्रो जाने लगे, तब फ़ायदा ये होगा कि मेट्रो में जो मेट्रो का जो कंपनी वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो। जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली में क्या कि हर जगह मेट्रो मिलता है, हर जगह, वो कहीं भी जाना हो तो हर तरफ जाल बिछा हो, तो लोग मेट्रो पकड़ते हैं, फिर उसको जहाँ जाना था उसे वहाँ से मेट्रो चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात है नहीं, आपको एक रूट है जाना है वहाँ तक, आप मेट्रो से ले जाते हैं, फिर आपको चेंज करना होता है। कहीं दूर जाना होता है तो आप मेट्रो छोड़ के कोई और ले लेते हैं, रिक्शा ले लेते हैं, ऑटो ले लेते हैं, ओला ले लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर तो ड्राइवर है ही नहीं, ये ड्राइवर लेस कब से हो गया? ओ एक अंदर में, वाह। हम लोग आ चुके हैं वी मार्ट, अभी वी मार्ट घूमेंगे हम लोग, अगर कोई चीज़ पसंद आएगा। वैसे तो इनको जैकेट लेना है और एक कंबल लेना है, ठंडी का समय है, और देखते हैं अगर पसंद आएगा तो लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। हम लोग इन कर चुके हैं वी मार्ट। ये देखिए दोस्तों, ये वी मार्ट का एंट्रेंस गेट है और यहाँ से सामान शुरू हो जाता है मिलना। तो उस साइड देखते हैं, बहुत सारा जैकेट लगा हुआ है। एक काम करो, पहले जैकेट ही देख लो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जैकेट जो है शुरू हो चुका है। देखिए कितना सारा सैंडल जूता, 300 रुपये से स्टार्ट है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। शैम्पू, यहाँ देखो दोस्तों, बॉयज़ के लिए जैकेट ही जैकेट, गर्ल्स के लिए इतना जैकेट नहीं था जितना कि बॉयज़ के लिए है। तो ये पता चल रहा है कि गर्ल्स लोग उतना यहाँ मार्केटिंग के लिए नहीं आती। और ये जैकेट देखिए, इसका प्राइस जो है 1399 रुपये, कोई ख़ास नहीं है। हर तरफ जैकेट ही जैकेट है, देखते हैं कौन सा जैकेट पसंद आता है हमें। यहाँ पर किड्स का कपड़ा मिलता है, वी मार्ट में हम लोग अभी हैं, और जहाँ भी आपका नज़र जा रहा है हर तरफ जो है किड्स का कपड़ा मिल रहा है। वैसे तो बोंदीदा को एक जो है पिंक कलर का कंबल पसंद हुआ है, जिसका प्राइस 300 रुपये है, तो वहाँ रखा हुआ है ये वाला, जो ये वाला। और इधर कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह का दाम 600, 1699, 899 इस तरह से इसका प्राइस। ये देखिए बच्चों का मोजा कितना छोटा है। इधर जो है बच्ची लोगों के लिए, गर्ल्स लोगों के लिए है, सब प्राइस लिखा हुआ है, बायो 3 get 1 free, 179 to 299। वॉशरूम भी इधर है। और इधर जो है बच्चों के लिए एक से एक कपड़ा मिल रहा है, चप्पल मिल रहा है, उधर बर्तन वगैरह भी मिलता है। ये देखिए दोस्तों चप्पल वगैरह सब, और इधर बर्तन वगैरह मिल रहा है, टॉवेल सब भी मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पिल्लो वगैरह सब,
दोस्तों अभी मैं वी मार्ट में हूँ और वी मार्ट में ऐसे मन हो गया घूमने का तो घूमने चले आए, अगर कोई चीज़ पसंद होगा तो खरीदेंगे, अगर नहीं पसंद होगा तो नहीं खरीदेंगे। और जब घूमने आए हैं तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब पसंद आ जाएगा तभी खरीदा जाएगा, अन्यथा नहीं खरीदा जाएगा। तो देखते हैं कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वो खरीदने का काम करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे, ऐसे घूम घूम लेंगे फिर चले जाएंगे यहाँ से। ये देखिए ये टॉवल हो गया आप बच्चों के लिए। एक्सक्यूज मी, हेलो कैसे हो? कर लिए, हेलो अब पकड़ो 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 भाग पकड़ो पकड़ो आई लव वी मार्ट। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा जो पसंद आने वाला चीज था वो बोनीता को क्या क्या पसंद आया है, वो एक ये पसंद आया है। इससे क्या होता है, एड़ी जो होता है एड़ी उसको साफ किया जाता है। 6 महीना पहले ली थी तो ख़त्म कर दी, मतलब लड़कियों को क्या है सुंदर रहना चाहिए। उसके बाद जो है ये पिंक कलर का कमल इनको बहुत पसंद है, तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने परचेज़ की है। लो और लबलिंग कराओ। तो मैं पहले ही बता दिया था आपको कि बहुत ज़्यादा जो पसंद होने वाला चीज़ होगा वही खरीदा जाएगा, तो ये दोनों चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो जाती है, इन्होंने खरीद ली। तो हम चलते हैं नीचे की ओर और यहाँ पर जींस 1049, टी शर्ट 1199, सूज 499, ये टोपी लगाया हुआ है, देखिए कितना अच्छा दृश्य। यहाँ फिर से एक बार लिखा हुआ है आई लव वी मार्ट और यहाँ पर बिस्किट वगैरह का जो है पूरा का पूरा पैकेज है। इन बच्चों को देखो कितने स्मार्ट है। और ये सीन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवर अ ब्यूटीफुल फैशन। देखो ये पेटीएम पे पैसा आ जाएगा, जितना का हमने सामान खरीदा है ये 348 आ गया, कितना अच्छा सुविधा है। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने सामान खरीद लिया है और 348 के सामान में इतना लंबा चौड़ा बिल आया, ये देखिए दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक।